हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा कमाल की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कैसे। देखिए यहाँ पे आप देखिए मेरा होम स्क्रीन लॉक है, मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल को लॉक किया हुआ है। ये देखिए आपको मैं ऐसे करके दिखा भी दे रहा हूँ, ये मेरा होम स्क्रीन लॉक है। और यहाँ पे एक देखिएगा सिंबल आता है यहाँ पे कैमरे का, कैसे इस बटन को हाइड करेंगे कैमरा को। इसमें क्या होता है, जब भी हम अपना मोबाइल लॉक रहता है और कोई भी छोटा बच्चा मोबाइल लेता है तो उसको ऐसे स्वीप करके क्या कर लेता है, कैमरा ऑन कर लेता है। हमारा बड़े फोन लॉक है बट हमारा क्या होता है, कैमरा ऑन हो जाता है और उससे फालतू के फोटोज वगैरह खींच के हमारा स्टोरेज भर देता है। तो मैं आपको इसी के बारे में एक ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको आप करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं कैसे आप दो तरीके से अपने मोबाइल के स्क्रीन के जो मोबाइल का स्क्रीन का जो होता है उसमें कैमरा को लॉक होने के बाद भी आप कैमरा, अगर आपका मोबाइल लॉक हो और यहाँ पे से कैमरा ये गायब हो जाएगा, कैसे इसको हाइड करेंगे, तो मैं इसी की चर्चा करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला मैं तरीका आपको बता रहा हूँ क्या करना है, सिंपली सी आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको कैमरा खोल लेना है, कैमरा खोलने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहीं पे देखिए बहुत सारे मोबाइल में ये सेटिंग नहीं होता है, बहुत सारे मोबाइल में होता है लॉक स्क्रीन हाइड कैमरा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, बस उसको आपको क्लिक करके उसको ऑन कर लेना है। एक तो एक सेटिंग है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत सारे मोबाइल में होगा। अगर आपके मोबाइल में होगा तो आप इस सेटिंग को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मेरे मोबाइल में नहीं है, आपके मोबाइल में हो सकता हो। तो ये सेटिंग एक तरीका ये हुआ कि आप इस तरह से जाकर के सेटिंग से कैमरा से जाकर के सेटिंग से जाकर के उसको ऑन या ऑफ कर देंगे तो वहां से क्या होगा, आपका कैमरा गायब हो जाएगा। एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा कैसे उसको करेंगे, सिंपली सी आपको क्या कर लेना। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको क्या करना, प्ले स्टोर खोल लेना। सिंपली सी आप यहां पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर खोल लीजिए। प्ले स्टोर खोलेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, कैमरा ब्लॉकर गाइड करके है, ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, वेरीफाइड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसको डाउनलोड करने में। ये गूगल के प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा ये ऐप, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली सी क्या करना है, इसको ओपन कर लेना। जब आप ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कैमरा अनप्रोटेक्टेड का, यहाँ पे दो ऑप्शन है, बट जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, उसको अलाउ कर लीजिएगा। सारे परमिशंस जो भी मांगेगा उसको अलाउ कर लीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपको दो बटन मिलेगा, एक ऑन एक ऑफ का। यहां पे क्या करना, सिंपली सी बस इसको जा करके ऑन कर लेना है। यहां पे ऑफ है, यहां पे आपको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद सिंपली सी आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद मैं आपको देखिए मैं अपना स्क्रीन लॉक कर रहा हूं और लॉक करने के बाद इसको ऑन कर रहा हूं। ये देखिए मैंने अपना स्क्रीन लॉक है मेरा। अब यहाँ पे देखिए कोई भी किसी भी तरह का कैमरा यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ से क्या होगा, कैमरा हाइड होगा, कैमरा गायब होगा। तो ये एक तरीका है, आप अगर इसको ट्राई नहीं किए होंगे तो ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ से आपका कैमरा गायब हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैमरा नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कैमरा नहीं। अगर लाना होगा तो सिंपली सी आपको आप यहाँ पे चले जाइएगा, उसी ऐप को खोलिएगा और यहाँ से ऑन है इसको ऑफ कर देना है। यहाँ से ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद आप अपने होम स्क्रीन को लॉक करिए। अब लॉक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैमरा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपसे स्वीप करके आप कैमरा से कोई भी फोटो ले सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है और जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप वीडियो को लाइक करिएगा और जो बेल आइकन का यहाँ पे नोटिफिकेशन है इसको ऑन करना नहीं भूलिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा तो इसको आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।